कठुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष शकील अहमद टोनी की अध्यक्षता में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली भी निकाली, जो शहीदी चौक से शुरू होकर पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद वापिस शहीदी चौक में सम्पन्न हुई। वहीं इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए शकील अहमद ने कहा कि राज्य में आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और यही एक पार्टी है जो राज्य के तीनों हिस्सों का समान विकास करवा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनावों के लिए अभी से जुट जाने की अपील भी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, दविंदर सिंह राणा जी, दविंदर सिंह राणा जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कठुआ में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया था और ज्वाइनिंग के साथ साथ कुछ यूथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आज हम बाइक रैली कठुआ में करने चाहते हैं और बाइक रैली से कठुआ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लिए भला कर सकती है। जम्मू कश्मीर को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो आगे चला सकती है, उसी के मसले में आज हमने एक बाइक रैली का आयोजन किया था। बाइक रैली करने में हमने 2-4-5 मिनट हमने अभी बाइक रैली करनी है, उसके साथ ही लोगों ने जो यूथ थे उन्होंने मुझे खुद कहा कि आओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, हमें भी ज्वाइनिंग दिलवाओ। पहले ज्वाइनिंग दिलवाने के बाद हम चाहते हैं कि बाइक रैली की जाए। पहले हमने सोचा था सिर्फ बाइक रैली करेंगे, लेकिन जब यूथ ने हमें अप्रोच किया कि नहीं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हज़ारों के तादाद में जो हर कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें खास करके गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने खुद आके कहा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कराओ। और उसके बाद ऐसे ही प्रोग्राम्स जो हमारे हैं वो हर जगह चलेंगे, हर गाँव में चलेंगे, हर एक मोड़े पर हमने जाके रैली करनी है, मीटिंगें करनी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं सबको ये बता दूँ, कठुआ की जितनी भी मेरी जनता है उसको मैं अपनी तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं अपील करता हूं कि ये जो जितने भी लोग हैं कठुआ के, उन सबको पता है कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये है जो यूथ के मसले में जो अवेयरनेस है वो कर सकती है, यूथ को नौकरी दिलवा सकती है। और इसी के मसले में कुछ दिन पहले उमर साहब ने प्रेसिडेंट कठुआ और ब्लॉक प्रेसिडेंट की मीटिंग ली और वहाँ भी यही मुद्दा उठा कि हर बंदे ने यही कहा कि आने वाला जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसमें मैनिफेस्टो जो होगा वो खास तौर पे जो होगा वो यूथ के लिए होगा और यूथ को ही हम कोशिश करेंगे कि यूथ जितना भी हो वो ऐसे ही। मैं लोगों को जो कठुआ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें और यहीं पे शहीदी चौक में ही यहां पे ऑफिस बनाया गया है, शहीदी चौक में आके वो हमें मिल सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं, वुमेन सेल की प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं। कठुआ से राजकुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज़।